राम राम भाइयों, सभी को राम राम। गुड इवनिंग समीर भाई, गुड इवनिंग जितेंद्र सिंह चौहान साहब, नमस्कार, जय हो, राम राम, राम निवास जी राम राम, श्याम बिश्नोई सारण राम राम, स्वाम जी बस बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, प्रणाम। किशन कुमार प्रजापत जी, आपके बड़े मैसेज मिलते हैं, आप बहुत लाइक करते हो और मैं भी है ना आपको बहुत लाइक करता हूँ, लव यू टू। मनीष जी राम राम, न्यून प्रणाम, जाम भाई जी ने विष्णु ने। अच्छा कुश्ती के ऊपर बात करते हैं, कुश्ती के कोई बंदे हो तो अपन कुश्ती के ऊपर बात करना चाहते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। महावीर फोगाट एक बहुत बड़ा नाम है देश में और उनको टिकट नहीं मिला, जबकि बबीता के लिए दो अभिभावकों के टिकट थे। ये बहुत बड़ी चूक है, मैं समझता हूँ कोचों का दायित्व बनता है कि उस टिकट को सही जगह पहुँचाने का। और बबीता देश की बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान है, आप मुझे बताइए इस जगह आप होते तो क्या कहते और क्या करते। आपको अगर टिकट मिल जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है अगर चीफ डिवीजन है तो चीफ डिवीजन डायरेक्टली खिलाड़ियों से इन्वॉल्व नहीं होता है, वो उन टीमों के कोचों को प्रोवाइड कराता है टिकट। तो कोचों का दायित्व बन जाता है कि उन खिलाड़ियों के अभिभावक जो भी आए हुए हैं, अगर दो टिकट उनके हैं तो उनको पहुंचाना चाहिए। और बबीता जैसी खिलाड़ी को अगर टिकट नहीं मिल रहे हैं तो इससे शर्म की बात और क्या होगी। मैं समझता हूं कि ये मानसिकता कब हमारे लोगों में से जाएगी। तो अब ये नहीं पता कि किसने किया है ये, लेकिन इस तरह की चूक होनी नहीं चाहिए कुश्ती में, खासकर कुश्ती जैसे खेल में। और महावीर फोगाट कुश्ती में एक बहुत बड़ा नाम है, एक तरह से सेलिब्रिटी है, जिन्होंने हरियाणा के अंदर, मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर जहाँ पे भ्रूण हत्याओं के लिए जाना जाता था, वहाँ पर लड़के की चाहत रखता था लेकिन लड़कियाँ पैदा होती गई और लड़कियों को ही कुश्ती में उसने डाल दिया। एक दिन ख्याल आया कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा जीते या छोरी जीते, और जब लड़कियों को कुश्ती में डाला तो वो दौर मैंने देखा है कि लड़कियाँ लड़कों से कुश्ती लड़ रही है, पब्लिक शोर मचाती थी, असभ्यता असभ्य शब्द कहे जाते थे, डल्ले मारते थे लोगों में, पत्थर मारते थे उन लड़कियों को, धूल उड़वाते थे और तरह तरह के अशब्द कहे जाते थे। और महावीर फोगाट का इतना जुनून था कि उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए उन लड़कियों को कुश्ती कराते गया और आज वे लड़कियां उस मुकाम पर पहुंची है। मैं समझता हूँ 1997 में फर्स्ट टाइम जब भारतीय कुश्ती संघ ने महिला कुश्ती नेशनल का आयोजन कराने का जब ऐलान किया था, जब बड़े बड़े पहलवानों ने विरोध किया था, पद्म श्री मास्टर चंदगी राम जी एकमात्र थे जिन्होंने अपनी लड़कियों को इस खेल में डाला, उन्होंने एक तरह से एक बीज बोया और आज वो बीज ओलंपिक में मेडल के रूप में हम देखने को मिल रहा है। मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर सानिया नेहवाल ने नहीं खेलने की धमकी दे दी, अगर मेरे पेरेंट्स के एक्रीडेशन कार्ड नहीं बनेंगे तो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट में नहीं खेलूंगी, प्रशासन खेल मंत्रालय को झुकना पड़ा और उसके एक्रीडेशन कार्ड बनाने पड़े। बबीता सानिया नेहवाल की अपेक्षा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक्रीडेशन कार्ड या टिकट के लिए जो उसके उसका हक बनता था, दो टिकट उसके हक बनते थे, उसने कोचों के चक्कर लगाए, प्लेयर्स के चक्कर लगाए, यहाँ तक कि चीफ डिमिशन जो उस समय चीफ डिमिशन थे विक्रम सिसोदिया जी, उनको भी जाके बोला, उन्होंने कहा राजू तोमर को दे दिए, अब राजू तोमर जी के पास टिकट ही नहीं बचे। तो
टिकट कहाँ चले गए? मैं समझता हूँ कि क्या इन टिकटों को जो अधिकारी गण जा रहे हैं, उनकी फैमिली जा रही है घूमने फिरने, उनको खुश करने के लिए बांट दिए गए? तो ये समझ नहीं आ रहा कि बबीता के जो अभिभावक या पेरेंट्स या उसके कोच, उसके जो पर्सनल दो टिकट थे, वो बबीता को क्यों नहीं दिए गए? और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक खिलाड़ी जब अपनी स्पर्धा में खेलने के लिए उतर रहा है, वो वेट कर रही है कि मेरे पापा देखेंगे दर्शकों में बैठ के, और वो उसका ध्यान, यानी कि एक एकाग्रता भी ख़त्म होती है, एक खिलाड़ी के मन में बेचैनी रहती है। तो ऐसे समय में उसको बेचैनी, उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए ताकि वो खुल के अच्छा प्रदर्शन करे। और मैं समझता हूँ कि फाइनल के अंदर जैसा बबीता खेली है, खेलने को हमने देखा है, तो वो कहीं ना कहीं चूक रही है। बबीता के मन में ये ज़रूर विचार रहा होगा कि उसके फादर काश उसका मैच यहाँ देखते, लेकिन वो बाहर लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने अपने पैसे से टिकट खरीदा, जबकि उनकी टिकट की व्यवस्था वो ऑलरेडी थी। हाँ, राम राम। अब मुझे लग रहा कोई मैसेज नहीं कर रहा, कोई पूछताछ तो कर ही नहीं रहा, तो मैं किसकी बात का जवाब दूँ? कुछ पूछो ना इस बारे में, मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। ये विषय है कि ये बहुत छोटी बात है टिकट खरीदना और किसी को टिकट देना, लेकिन एक खिलाड़ी का जो हक बनता है, चाहे एक रुमाल भी क्यों ना हो, अगर उसका हक बनता है तो उस तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो 10 पैसा भी क्यों ना हो, उसकी भी चोरी चकारी या किसी को खुश करने के लिए बांट दिया जाता है, वो ठीक नहीं है। तो मैं इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि ये आखिर चूक कहाँ हुई, क्योंकि राजीव तोमर जिनका नाम लिया जा रहा है, वो भारत केसरी पहलवान है, देश के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और मुझे नहीं लगता कि राजीव तोमर इस तरह की कोई काम करेंगे। तो ये चूक कहाँ से हुई है ये आज तक पता नहीं चला है, और बबीता को टिकट मिले नहीं, और चीफ डिमिशन कहते हैं कि हमने दे दिया, तो ये कहाँ से बात हुई है? चीफ डिमिशन ने किसको टिकट दिया, कहाँ पहुँचे, और बबीता तक क्यों नहीं गई? महावीर फोगाट बबीता की कुश्ती में हाजिर क्यों नहीं रहे? तो ये सारा एक बहुत बड़ा विवाद था। संघर्षित पिता जो देश के लिए, बिल्कुल ऐसा प्रदेश जहाँ पे भ्रूण हत्याएं हो रही है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, महिला चौके में रहेगी, किचन में रहेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, और कुश्ती एक ऐसा खेल जो पुरुष प्रधान खेल है, उसमें अपनी लड़कियों को लगा दिया, और तरह तरह के ताने लोग कसते थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर इस बाप ने अपनी बेटियों को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। हमें उस व्यक्ति को हर जगह संभालना चाहिए, ऐसी हीन भावना या ऐसी द्वेष भावना या एक चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं होना चाहिए। जो कुश्ती के आका है, उन लोगों को आगे जाके ऐसे महान खिलाड़ियों को, महान कोचों को आगे होके बुलाना चाहिए ऐसी स्पर्धाओं में। राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक खराब राजनीति, जो नकारात्मक राजनीति है, वो कुश्ती से हटनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का स्थान होना चाहिए जो कुश्ती में, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने कुश्ती को बहुत कुछ दिया है, ऐसे लोगों का नाम आगे आना चाहिए। खैर, मैंने अपनी बात, ये लिखते हैं सर जी टिकट कहाँ गए, ये तो आप ही बता पाओगे। नहीं तो मैं तो भारत में हूँ, मैं तो खुद ही टीम के साथ नहीं गया, मैं कैसे बता सकता हूँ? और टिकट कहाँ गई? बबीता को टिकट मिले नहीं, बबीता हर किसी के आगे गिड़गिड़ाती रही, उसका फाइनल मैच होने वाला है और वो कोचों के आगे गिड़गिड़ा रही है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गिड़गिड़ा रही है, कभी चीफ डिमिशन के पास जा रही है, और उसका मैच है फाइनल मैच। तो आप देखो कैसी परिस्थिति बन रही है, एक फाइनल मैच के दौरान वो अपने किरदार में नहीं है, अपनी कुश्ती लड़ने के मूड के अलावा उसके साथ साथ ये चीज़ हो रहा है कि मेरे पापा बाहर खड़े हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मानसिकता हमने बदलनी चाहिए, और भारतीय कुश्ती संघ को इसमें पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। ऐसे महान खिलाड़ी जो कोचिज हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लोगों की सोच बदल दी है, दंगल के माध्यम से लोगों की एक सारी सोच बदल गई। मैं समझता हूँ, मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं आमिर खान और उन लड़कियों को कुश्ती सिखाने के बाद कि कृपा जी, हम अपनी बेटी आपके पास छोड़ना चाहते हैं, और दुर्भाग्य है कि मेरे पास में कोई ऐसी एकेडमी नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है लड़कियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है कि
कि जहाँ पे महिलाओं के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर हो, जहाँ पे सब मूलभूत सुविधाएं हो, ट्रेनिंग से संबंधित सभी सुविधाएं हो, ऐसा नहीं है। आज मैं भी अगर कुश्ती के लिए काम कर रहा हूँ, आमिर खान को या फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, जायरा वसीम और सुहानी भटनागर को दंगल फिल्म के लिए ट्रेंड किया है, ट्रेनिंग दिया है, तो उसका कारण तो गीता फोगाट है ना, महावीर फोगाट है, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया और देश के लिए इतने मेडल जीते हैं। तो हम ऐसे लोगों को कैसे भूल जाते हैं? और बबीता फोगाट, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मुकाबले में खेलने जा रही है, उसके मुकाबले लगातार हो रहे हैं और उसके पापा बाहर खड़े हैं और हम उनको अंदर नहीं ला पा रहे हैं, तो इसके ऊपर विचार करने की बेहद आवश्यकता है। ये इंडिया है सर, लेकिन वो इंडिया में नहीं हुआ है जगदीश जी, ये इंडिया में नहीं हुआ, वो गोल्ड कोस्ट में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ये इंडियन है, हम इंडियन हैं, ऐसा कहो, ये इंडिया में नहीं हुआ था और गोल्ड कोस्ट में हुआ था, और इंडियन कोचीज हैं हमारे, इंडियन फेडरेशन है हमारी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो गया था वो सारे इंडियन थे, जो वहाँ पे लगे हुए थे अधिकारी सब, तो टिकट कहाँ चले जाते हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो टिकट किसी न किसी को खुश करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए दे दिए गए हैं कि बबीता के फादर महावीर फोगाट आए ना आए, लेकिन उस अधिकारी को या उस अधिकारी की फैमिली को दे दिया जाए और अपना पपलू फिट कर लिया जाए बाद में। तो इस तरह की भी कई घटनाएं पूर्व में देखी गई है, जैसे कि गोल्ड कोस्ट में मेरे साथ भी हुआ था, मेरा एक्रीडेशन कार्ड तक कैंसिल कर दिया गया था, मैं भारत महिला कुश्ती टीम का कोच था, वहाँ पर टीम के पास मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह की हरकतें बहुत से लोग करते हैं जो कुश्ती से जुड़े हुए और खेल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। बहुत से अधिकारी ऐसे आ जाते हैं जिनका खेल से कोई संबंध होता नहीं है, ना वो खिलाड़ी होते हैं, ना उनको खेलों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन उनको खेलों के सर्वे सबसे ऊंचे पद पर बिठा दिया जाता है। और जब ऐसे लोग सबसे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं तो सिर्फ वो तानाशाह होते हैं, वो अपना पपलू फिट करते हैं, अपने व्यवहार बनाते हैं, उनको खिलाड़ी, देश के पदक और मेडल से कोई मतलब होता नहीं है। और यही समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुई है, और सिर्फ ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बबीता हमारी पहलवान खेल रही है और उसके मन में दो तरह की कल्पनाएं चल रही है कि मेरे पिता बाहर खड़े हैं, टिकट आखिर गए कहाँ, उनको टिकट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि दो टिकट हर कॉमनवेल्थ में खेलने वालों को, खिलाड़ियों को, उनके अभिभावकों के लिए दिए गए हैं, तो बबीता को भी मिलने चाहिए थे। बबीता के टिकट का है गोलमोल इधर उधर कर दिए, और ऐसी खिलाड़ी के जो कि मेडल जीत रही है, तो ये विचार करने वाली बात है। उमेश कुमार बिश्नोई जी, नमस्कार, नमस्कार, निमंत प्रणाम जांबे जी ने, बहुत अच्छा हुआ कि आप इस पे लाइव आए। अच्छा जी, जब आप के जवाब आना बंद हो गए और इस पे विचार करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ हम सबको सोचने की ज़रूरत है और खिलाड़ियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत गड़बड़ा होता है पैसों में भी, खिलाड़ियों की डाइट में, खिलाड़ियों के फूड सप्लीमेंट में। क्योंकि मैं विगत 7-8 वर्षों से महिला कुश्ती टीम का कोच रहा हूँ, नेशनल टीम का, और अगर कोई कोच इस बारे में बात करता है तो उसको भी हटा दिया जाता है। तो अपने आप में नहीं जीना चाहिए, हमें कुश्ती के लिए काम कर रहे हैं तो हमने कुश्ती के लिए जीना चाहिए और कुश्ती के लिए काम करना चाहिए और निडरता से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी रेसलर को एक होना चाहिए इस गलत काम के लिए कि आप खिलाड़ियों का पैसा खा जाते हैं, डाइट सप्लीमेंट का, कैंपों में खिलाड़ी अपना खुद का खाना बना रहे हैं। ये खुद का खाना बनाने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि वहाँ का डाइट अच्छा नहीं है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है मेस को, जब किसी को टेंडर दिया जाता है तो भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी उसमें भी अपना कमीशन मांगते हैं, तो वो कमीशन का खेल है। जब कमीशन खा लिया तो फिर आप मेस वाले को डरा धमका भी नहीं सकते हो कि ये खाना क्यों अच्छा नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने उसमें से आधा तो आपने खा लिया, अब वो आधा वो खाएगा और वो जो चाहेगा वो खिलाएगा। खिलाड़ी नेशनल कैंप के अंदर जहाँ पर डाइट 550 रुपये से भी ज़्यादा है और सप्लीमेंट 750 रुपये हैं, तो ऐसे 14-13-14